हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल घर का खाना विद नूरजहान किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट साबूदाना खीर। जी हाँ, साबूदाना खीर बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने साबूदाना लिए है 1 कप, ये 100 ग्राम है। देखिए, इसे हम अच्छी तरह एक पानी से धो कर लेंगे और 1 गिलास पानी डालकर हम इसे भिगा कर रख रहे हैं कम से कम 1 घंटे के लिए, ताकि साबूदाना अच्छी तरह फूल जाए। ठीक है, तो 1 घंटे के बाद हम मिलते हैं। तो आप देख सकते हो 1 घंटा हो गया है, साबूदाना अच्छी तरह फूल चुके हैं और मैं आपको दबा के दिखा रही हूँ, पूरी तरह नरम पड़ गए हैं साबूदाना। तो अब हम खीर बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पतीली गरम है, हम इसमें 1 कटोरी घी डाल रहे हैं। ये पिघला हुआ घी है, गर्मियाँ बहुत है, घी पूरी तरह पिघल चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। जी हाँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है खीर में। और अच्छी तरह इसे तड़कने देंगे कम से कम एक मिनट तक, ताकि इलायची पाउडर अच्छी तरह फ्राई हो जाए और बहुत ही अच्छी खुशबू तमाम खीर में हमारे समा जाए। तो देखिए, अच्छी तरह इलायची फ्राई हो चुकी है। अब हमने जो भिगाए हुए साबूदाना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसे फौरन घी में मिला देंगे। देखिए, बहुत ही झटपट, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। बस जैसे ही हम इसे मिक्स करते हैं वैसे ही हम पानी डालना शुरू करेंगे, वरना साबूदाना चिपकना शुरू हो जाएंगे। देखिए, मैं झटपट पानी डालना शुरू कर रही हूँ, गैस का फ्लेम स्लो कर दी हूँ। यहाँ पर हम पानी डाल रहे हैं बॉटल से कम 2 से 3 ग्लास, देखिए, ताकि साबूदाना अच्छी तरह उबल जाए। और आप तो जानते ही हो, साबूदाना उबलने के बाद गाढ़ा होना शुरू हो जाते हैं खीर, तो इसके लिए हम स्टार्टिंग में ही 3 ग्लास पानी डाल रहे हैं। देखिए, और बहुत ही झटपट चम्मच की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे, वरना नीचे से साबूदाना पूरी तरह चिपक जाएंगे। तो आप भी झटपट डालते ही पानी डालिएगा। और देखिए, अब मैं गैस का फ्लेम फास्ट की हूँ, अब हम इसे अच्छी तरह उबलने देंगे। देखिए, कम से कम 10 मिनट के लिए फास्ट फ्लेम पर हमने रखे हैं और आसपास ही हम रहेंगे, कहीं दूर नहीं जाएंगे। तो 10 मिनट के बाद मिलते हैं। उबाल आना शुरू हो गया है, देखिए, हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे, वरना नीचे से साबूदाना चिपकना शुरू हो जाते हैं। हम देख रहे हैं पानी कम तो नहीं है, नहीं, पानी तो बिल्कुल ठीक है और अच्छी तरह उबाल आ रहा है, यानी साबूदाना आधे से ज़्यादा पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मीठे के लिए शक्कर। यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी से थोड़ा ज़्यादा शक्कर ली हो, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और इसे डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पकने देंगे। देखिए, साबूदाना पकने की निशानी ये होती है कि बिल्कुल साबूदाना पानी की तरह हो जाते हैं, यानी आर पार दिखाई देना शुरू हो जाते हैं जब वो पक जाते हैं, तो यही निशानी होती है साबूदाने की। तो हम इसे अच्छी तरह पकने देंगे। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ साबूदाना पका या नहीं। देखिए, माशाल्लाह, साबूदाना पूरी तरह पक चुका है और 15 से 20 मिनट होने को आए हैं। हम इसे अच्छी तरह पकाते जा रहे हैं। देखिए, अब हमने शक्कर तो डाल दिए हैं, अब हम डालेंगे दूध। मैंने यहाँ पर 1 छोटा ग्लास दूध ली हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हो जितना आपको पसंद हो। देखिए, और दूध डाल के हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे भी अच्छी तरह पकने देंगे, ताकि साबूदाना खीर अच्छी तरह गाढ़ी हो जाए। आप तो जानते ही हो, मैंने आपसे शुरुआत में ही कह दी थी कि साबूदाना खीर पक पक के गाढ़ी हो जाती है और भय भी जाती है। हम इसे ढक के दूर नहीं जाएंगे, इसी के पास रहेंगे, पूरा ढक्कन नहीं ढके हैं, 1/2 ढक्कन ढके थे हमने 5 से 8 मिनट के लिए। और आप देख सकते हो, हल्का उबाल आना शुरू हो गया है, हमने ढक्कन हटा दिए है और हम इसी के पास खड़े थे और इसे चलाते जा रहे हैं, ताकि साबूदाना नीचे से ना चिपके और अच्छी तरह उबल के पक जाए। देखिए, अच्छी तरह उबल आ रहा है,
वाइट वाइट है, इसके लिए आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मगर भाप तो दिखाई दे रही है आपको। उसी से आप समझ जाइएगा अच्छी तरह उबाल आ गया है और अच्छी तरह साबूदाना खीर पक रही है। देखिए अब हम इसमें डालेंगे किशमिश, ये अपनी पसंद होती है, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप डाल सकते हो। मेरे पास किशमिश था, मैंने एक छोटी कटोरी डाल दी हो, और काजू बादाम थोड़ा फ्राई किया हुआ बचा था मेरे पास ईद का, तो मैंने वो भी डाल दी हो। देखिए अगर आपके पास फ्राई किया हुआ नहीं है तो आप इस तरह कट करके भी डाल सकते हो। देखिए किशमिश और काजू बादाम हमने डाल दिए हैं खीर के लिए, और इलायची का तड़का तो हमने शुरुआत में ही दे दिए थे। तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी खीर हमारी पक गई है, और पकने के बाद अच्छी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। देखिए माशाल्लाह पतीली पूरी भरने को आई है। तो बहुत ही झटपट बहुत ही आसानी से हमने साबूदाना खीर बना दिए है। देखिए पक पक के हमारी खीर और गाढ़ी हो गई है, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी दिखाई दे रही है, और बहुत ही अच्छी खुशबू पूरे घर में आ रही है। तो बहुत ही झटपट बहुत ही आसानी से हमने साबूदाना खीर आपके सामने बनाई है, और बहुत ही कम चीज़ों से, और बहुत ही टेस्टी भी बनी है। तो उम्मीद है ये तरीका बहुत ही आसान है और आपको पसंद आया होगा। अब हमारी साबूदाना खीर बिल्कुल तैयार है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए हमारी खीर अच्छी तरह पक चुकी है, और माशाल्लाह बिल्कुल ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है। तो हम इसे बंद कर देंगे, कटोरी में निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तब आपको मालूम पड़ेगा कि साबूदाना किस तरह पके है। देखिए एक एक दाना बहुत ही अच्छी तरह पक चुका है, बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी होती है साबूदाना खीर। तो इसे पकाने के लिए हमें कम से कम इसे भिगा के रखना पड़ेगा आधे से एक घंटे के लिए, तभी बहुत ही झटपट और आसानी से साबूदाना पक जाएंगे। और आपको मैंने निशानी बता दी हूँ, साबूदाना जब पकते हैं तो बिल्कुल पानी की तरह कलर हो जाता है इसका। और अब हमारी साबूदाना खीर खाने के लिए तैयार है, तो आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत ही टेस्टी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार खीर बनके तैयार हो गई है, और बहुत ही कम चीज़ों से। तो उम्मीद है ये तरीका आपको पसंद आ गया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे बड़े वीडियो देखिए। जब तक आप बड़े वीडियो नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो आइए मैं आपको टेस्ट कराती हूँ किस तरह पकी है। देखिए खोलिए खोलिए मुँह खोलिए, किशमिश खाएंगे तो ठीक है, किशमिश वाला बाइट खिलाते हैं हम आपको। खाइए खाइए टेस्ट कीजिए किस तरह बनी है। तो अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।